स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं। मतलब ऐसे दौड़ने का मन कर रहा है ना, क्या ही बोले, पता नहीं एनर्जी कहाँ से आ रही है। आज तक उसका मलबा यहीं पे है। प्रकृति के सामने तो भाई किसी की नहीं चलती है। इससे आपका खाना तो कम से कम बन जाएगा। ये मध्यमेश्वर घाटी का पानी है जो अमृत समान होता है। वॉल के अंदर से ना लीकेज हो रही है। अब है जी परीक्षा की घड़ी। बैक साइड से पूरा गैपिंग आ गई है। नहीं तो आगे जाना खतरे से खाली नहीं है ऐसे ठंडे मौसम में। सुबह सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हो, इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ठीक नीचे मध्यमेश्वर वैली में मध्यमेश्वर धाम खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। चारों ओर थोड़ी देर में सनराइज होने वाला है। बहुत ही सुंदर सा दृश्य। ऐसा दृश्य देखने के लिए तो आंखें तरस जाती हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मध्यमेश्वर वैली के काचनी धार से। और रात को देखिए यहाँ चारों ओर खूब सारा पाला पड़ा है, मतलब कि यहाँ टेम्परेचर काफी डाउन है। ये हमारा ट्रैक का आज चौथा दिन और अभी हम है काचनी धार में। कल एक सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी, हमने स्टोव जलाया तो ढंग से जला नहीं। जुगाड़ वाला एक बर्नर सा बनाया जुगाड़ करके, उससे ही हमने कल रात को मैगी वगैरह बनाई, आपने जैसे पिछली वीडियो में देखा होगा। अब इससे आगे हम उसके भरोसे तो चल नहीं सकते हैं। और ये ऐसा इलाका है जहाँ लकड़ियाँ वगैरह भी नहीं मिलेंगी सर्वाइव करने के लिए। आलोक भैया सामने पे है पांडवसरा। अच्छा ये यहाँ पे? सामने पे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जगह जगह पे पानी भी मिल जाएगा, जबकि आजकल मॉनसून काफी पहले चला गया है। प्रकृति ने देखो हमें कैसे कैसे पानी के स्रोत दिए हैं। बिल्कुल ठंडा सा पानी है इनका। तो धूप आते ही सबसे पहले अपने जो भी गैजेट वगैरह हैं जिनसे कि रात को गुजारा होता है अंधेरे में, इनको चार्ज पे लगा देते हैं इस छोटी सी सोलर पैनल से। देखिए जी इस बार हम यहाँ मध्यमेश्वर धाम से ऊपर को चढ़े हैं और पिछली बार जब मंडाणी वैली गए थे तो यहाँ रांसी गांव से इन पहाड़ों से होते हुए आगे को बढ़े थे। तो इस ठंडे ठंडे मौसम में कैलाश ले आया है सभी के लिए गर्मा गर्म चाय। करीब आधे घंटे में ये वाली लाइट फुल चार्ज हो गई है जो कि रात को बहुत काम आती है। अब ये छोटी वाली टॉर्च लगा दी है मैंने चार्ज पे और दूसरी ओर यहाँ पे एक ये वाला टॉर्च लिया रखा था जिसपे फोकस वाला भी है, रात को जला भी सकते हैं। यहाँ पे सोलर पैनल भी लगा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क आ रहा है, थोड़ा सा घर में बातें कर रहे हैं कि स्टॉप वगैरह का कुछ जुगाड़ हो जाए रांसी गाँव से या मध्यमेश्वर धाम से। अगर होता है तभी ये ट्रिप आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो आगे जाना खतरे से खाली नहीं है ऐसे ठंडे मौसम में। और एक हमारा दोस्त ऊपर पहाड़ी की चोटी पे चले गया है कॉल करने के लिए और एक यहाँ पे देख रहा है कि कहीं पे नेटवर्क आ जाए। थोड़ा बहुत आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं। देखिए जी स्टॉप में ये प्रॉब्लम है, यहाँ वॉल के अंदर से ना लीकेज हो रही है यहाँ से फूक मारने पे। इस बॉक्स के अंदर सारी दवाइयाँ और कुछ जरूरी सामान रखा हुआ है, सुई तागा भी है इस बार रखा हुआ और सबसे जरूरी फेविक्विक भी रखा हुआ है जो कि आज काम आ रहा है। और एक ये मजबूत वाला तागा जो कि मैंने उखीमठ से लिया था और इसके अंदर है बड़ी वाली सुई जो कि आज ऋतिक के काम आने वाली है। मेरे नहीं दीपा भाई के काम। क्या हुआ था उसका? उसका जूता टूट गया। बैक साइड से पूरा गैपिंग आ गई है, अब ये जगह से सिलना है। और ये हुआ बीच रास्ते में, बहुत पथरीला रास्ता था ना तो वहाँ पर पता नहीं कहाँ फंस गया, मैंने जोर से खींचा और निकल गया। देखिए जी ट्रैक पे अगर सभी मिलजुल के काम करें तो ट्रैक आसान हो जाएगा। मेरी दीपक की और सुजान भाई की ड्यूटी लगी है ठीक नीचे जहाँ से हम कल आए थे, वहाँ जाना मध्यमेश्वर मंदिर के पास में, वहाँ से स्टॉप वगैरह का जुगाड़ करना। सोचा नहीं था कि ट्रैक पे ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। क्या करें ये सब जर्नी का हिस्सा है, इनको फेस करना आना चाहिए। देखते हैं ये ट्रैक हम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। वापसी तो हम बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे लेकिन चढ़ाई का जो रास्ता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन इस बार प्लस पॉइंट ये है कि हम पे बैग नहीं है तो क्या पता थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। गलती से यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करते हुए फोन इन बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में फंस गया ना कहीं, तो फिर मिलने वाला नहीं है, तो फिर इसीलिए गोप्रो से ब्लॉग बना रहे हैं। इस बार की ट्रिप पे पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ हो रही है। या तो कुछ गलत होने का संकेत है अगर उसको पॉजिटिव वे में लें, या तो ये चीजें हमें आने वाले बड़े बड़े ट्रैक के लिए बहुत कुछ चीजें सिखाने वाली हैं। ऊपर चोटी से यहाँ आने में लगभग 15 मिनट का समय लगा और चढ़ाई चढ़ते हुए यही टाइम चार गुना और बढ़ने वाला है। रात को भी कल मैगी खाई जिसको कि खाने का मन ही नहीं करा पता नहीं क्यों, और आज सुबह भी बस बिस्किट वगैरह खाए। ऐसे चलते हुए एनर्जी बहुत चाहिए होती है तो थोड़ा सा दूरी पे जाके कुछ खा पी लेते हैं फिर से बिस्किट वगैरह, नहीं तो भूख से हालत खराब हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं नंद बैराड़ी पे। कल यहीं पे हमने पराठे वगैरह खाए थे दिन के टाइम पे। पिछली बार हम आपको इस वाली पहाड़ी से पीछे ले गए थे मंडाणी वैली की ओर, इस बार हम इस मध्यमेश्वर वैली में आगे को बढ़ रहे हैं और अगली बार हम ये सामने वाले पहाड़ पे चढ़ेंगे जहाँ की विसरी ताल का ट्रैक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क आने लगा है तो घर पे कॉल कर देते हैं, अपनी लोकेशन वगैरह बता देते हैं क्योंकि कल से घर बात नहीं हुई है, जबकि घर हमारा ठीक सामने इस वैली में है कहीं पे,
लेकिन पहाड़ों के बीच हम एक बिल्कुल छोटे से तिनके की तरह हैं। देखिए जी, इस रूट पर रुकावटें तो बहुत हैं, लेकिन हम इनको अपने कैमरे के थ्रू मेमोरी के रूप में सेव भी कर रहे हैं। आने वाले 10-20 सालों के बाद जब हम देखेंगे ना, तब याद आएंगी कि क्या क्या चीजें हमारे साथ हुई थी। अब जाके थोड़ा सा ऑक्सीजन सही मिलती रहेगी, नहीं तो बुग्यालों में ना ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। खैर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कहीं भी चला दो, आराम से चली लेंगे। चले जी, एक बार स्टॉप का पता करते हैं, कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। देखिए जी, अभी हम आए हैं ठीक सामने इस वाली चोटी से। यहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़ों को उतर के अभी वापसी में अगर काम होता है तो वहीं तक चढ़ के जाना है। सोचिए, बहुत दौड़ भाग होगी इस बार। हाँ जी, हाँ जी, देखा। अच्छा, थैंक यू। आप कहाँ से? थैंक यू। चले जी, यहाँ पे स्टॉप तो मिला है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, तभी इसको ले जाएंगे, क्योंकि काफी साइज में बड़ा भी है। तो एक काम करते हैं, इसका जो पंप है ना, इसको निकाल के इस पे लगा देते हैं, अगर लगेगा तो। देखो जी, दीपक और सुजैन भाई एक और स्टॉप ले आए हैं, और यहाँ पे ना तीन तीन चीजें मिल गई हैं। एक ये छोटा सा जो सिलेंडर होता है, ये भी मिला। ये वाला स्टॉप भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, पर ये पूरा खाली है। अब एक और ये ले आए। चलो जी, इसको जला तो दिया है, अब देखते हैं इस पे अगर प्रेशर अच्छे से बनता है तो इसी को ले जाएंगे भाई, फिर क्या करें। तो वैसे यहाँ पे एक छोटा सा भी मिला, लेकिन इस पे ना जहाँ इसका पंप लगता है बहुत भयंकर जंग लगा हुआ है, तो ये पंप को खराब कर देगा। वैसे ट्रैक के लिए ये सबसे बढ़िया था। अब है जी परीक्षा की घड़ी। चलो जी, स्टॉप का जुगाड़ तो हो गया है, लेकिन अब इसके बाद हमें यहाँ मध्मेश्वर धाम से ठीक ऊपर यहाँ इस पहाड़ी तक चढ़ना है, जहाँ पूरे बादल लगने लगे हैं। अब लंच वगैरह करते हैं एक बार, फिर उसके बाद ही निकलेंगे आराम से। और यहाँ पे देखिए, फोन करने के लिए ऐसे रखते हैं, एक फोन देखिए वहाँ पे रखा हुआ है। इन ऐसी जगहों पे ही सिग्नल आते हैं, वो भी सिर्फ BSNL के, और ऊपर ऊपर चोटियों में सिर्फ जियो के सिग्नल आ रहे हैं कहीं कहीं पे। कल रात तो हमने मैगी में काम चलाया, बड़ी मुश्किल से खाना मिला है, वो भी यहाँ मध्मेश्वर धाम में आके। टूट पड़ो भाई अब। रात को हम रुके थे श्री मध्मेश्वर होटल एंड रेस्टोरेंट पे, यहाँ मध्मेश्वर धाम में। यहाँ से हमको स्टोव भी मिल गया है, जो कि इस बैग में पैक कर लिया है। जो खराब वाला स्टोव है वो ये है, और रोहित भाई ने सारा कुछ जुगाड़ करा है स्टोव का। देखते देखते यहाँ पूरा चारों ओर कोहरा भर गया है, अब हमें इसी कोहरे के बीच से होते हुए उन पहाड़ों को चढ़ना है फिर से। स्टोव खराब हो गया था, फिर यहाँ से अब यहाँ आए वापस, फिर जा रहे हैं ना, दो दोस्त वहीं हैं रुके हुए। क्या करें, आज का दिन हमारा ऐसा ही लिखा होगा किस्मत में, पर कभी कभी ट्रैक में ऐसे ऐसे अनुभव भी होते हैं, तो हर चीज के लिए तैयार रहना जरूरी है। बस 5 मिनट बैठे और चारों ओर कोहरा लगने लग गया है। अच्छी बात भी है और खराब भी। अच्छी बात यह है कि धूप नहीं लगेगी, खराब ही है कहीं बारिश ना लग जाए, और ऐसे में ना ठंड भी बढ़ती जाती है। और कोहरा देखिए कितनी तेजी से ऊपर को मूव कर रहा है। प्रकृति ने हमें हर चीज दी है, चढ़ाई पे चढ़ते हुए रंगीला के जो दाने हैं उनको चबाते चबाते जाएंगे, थकान का अनुभव भी कम होगा। ये सिर्फ पानी नहीं, ये मध्मेश्वर घाटी का पानी है, जो अमृत समान होता है, क्योंकि ना जो पूरा पानी है ऊपर बुग्याली क्षेत्रों से आता है, इसमें बहुत जड़ी बूटियों का रस रहता है, इसे डायरेक्ट पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती भाई। अभी जाते टाइम ना ये वाला बैग बारी बारी से हम ले जा रहे हैं, ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन फिर भी चढ़ाई पे 1 किलो भी हो तो वो भी भारी महसूस होता है। अभी पहुंचे हैं धौलाधार में, जहाँ पे कि हेलीकॉप्टर के पार्ट्स वगैरह हैं। अब यहीं पास में पानी का एक स्रोत है, तो वहाँ से पानी भर के आगे को बढ़ेंगे। पानी सबसे जरूरी है भाई ट्रैक पे, बिना इसके ट्रैक कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जैसे हम घर में रहते हैं तो वहाँ ऐसे अनुभव बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ट्रैक पे आओ, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, और यहाँ आके पता लगता है छोटी छोटी चीजों की अहमियत। और पानी के स्रोत के पास में ही देखिए, यहाँ हेलीकॉप्टर का काफी सारा मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। सोचे उतनी पुरानी बात है, आज तक उसका मलबा यहीं पे है। ये टायर देखिए अभी तक है। भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दें। बाकी प्रकृति के सामने तो भाई किसी की नहीं चलती है। मैं तो यहाँ से फुल पानी पी के चलता हूँ, क्योंकि दोस्तों को पानी ले जाना है बोतलों पे। बहुत ठंडा पानी है भाई, ये सीधे ऊपर बर्फ से पिघल के आ रहा है नीचे को। आजकल इस ट्रैक में बहुत कम फूल दिखाई दे रहे हैं, और जो फूल हैं भी वो बस सूखने की कगार पे हैं अब। चलो जी, 3:15 बजे करीब हम
जहाँ पे नेटवर्क आता है उस वाली धार तक पहुँच चुके हैं। कल लगभग 3 बजे के आसपास हम यहाँ पे थे। अब यहाँ से घर को जरा कॉल कर देते हैं, अपनी लोकेशन सिचुएशन वगैरह सब बता देते हैं, फिर आगे को बढ़ेंगे क्योंकि आगे नेटवर्क नहीं है ज्यादा। देखिए जी, रास्ते भर में ये चॉकलेट बहुत काम आ रही हैं और हमारा फर्ज बनता है कि इसके बाहर का जो भी प्लास्टिक है उसको हम वापस लेकर जाएं, जो कि हमने साइड पॉकेट में सारा रखा हुआ है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसे कहीं भी जाते हो ट्रैक वगैरह पे, जो भी प्लास्टिक के रैपर वगैरह होते हैं उनको अपने साथ वापस जरूर से ले जाएं। और कल यहीं पे हमने पराठे वगैरह खाए थे मस्त मजे से, और सुजान भाई ने यहाँ पे टाइम लैप्स रखा और उनका पूरा जो भी फुटेज रिकॉर्ड करी थी सारी गायब। आज तो हमारे पास बैग कुछ है नहीं, मतलब ऐसे दौड़ने का मन कर रहा है ना, क्या ही बोले, पता नहीं एनर्जी कहाँ से आ रही है। हर हर महादेव, चलते रहो चलते रहो। अब ऋतिक और कैलाश कैंप साइट पर ही रुके हुए हैं, उनके साथ थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं कि हमें स्टॉप नहीं मिला। उनके रिएक्शन नोट करने हैं जरा। कैंप से जितना नजदीक रख सकते हैं रख लेते हैं, क्योंकि लाने में फिर दिक्कत भी होगी। चलो जी, करीब 3 घंटे 50 मिनट में हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। देखे जी, यहाँ पे स्वागत गान लगे हुए हैं और जुगाड़ वाले बर्नर से ही काम चल रहा है। क्या रखा है इसमें? इसमें चावल लगे हैं, दाल बॉयल और क्या, बस उस बटर का मारेंगे। अब ये बताओ क्या है प्लान? चलो जी, इन्होंने कम से कम मेहनत तो करी, पर इनको एक चीज पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ आज। अच्छी बात है, स्टॉप मिल गया है। ये जुगाड़ वाला चूल्हा ना बर्तन भी काले कर रहा है और यहाँ पे ना लोगों का टेंट भी खराब कर देगा। इसको फटाफट से बाहर करते हैं, स्टोव जलाते हैं। अब ये सब चीजें हुई हैं, लेकिन आखिरकार हमें स्टोव मिल गया है और उसमें आराम से खाना बनाएंगे। रात को अच्छा खाना खा के ही सोएंगे आज, नहीं तो कल ना सिर्फ मैगी खाई और रात को भूख भी लगी, ढंग से नींद भी नहीं आई। आज वैसे यहाँ काचनी खाल से हमें ऊपर काचनी ताल है, एक जगह एक बड़ा सा ताल है, वहाँ जाना था, वहाँ भी नहीं जा पाए। और अब इसके बाद वहाँ का प्लान स्किप करके आगे को बढ़ पड़ेंगे अपने ट्रैक पे। देखिए जी, जब भी आप ट्रैक पे जाएं और आपके साथ भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे जुगाड़ वाला कुछ कर सकते हैं आप चूल्हा बना के, इससे आपका खाना तो कम से कम बन जाएगा, जिससे कि आपको भूखा ना रहना पड़े। देखे जी, स्टॉव ना जलने से सबसे बड़ा नुकसान था हमारे यहाँ पे जो फूड ब्लॉगर ऋतिक नेगी हैं उनका, क्योंकि इन्होंने पूरा कंटेंट सोच के रखा था कि कहाँ पे क्या क्या चीजें बनानी हैं, पर अगर स्टोव ही नहीं जलेगा तो कैसे बनाएंगे भाई। लंबे सफर के बाद गर्मा गर्म सूप मिल जाए इसकी तो बात ही कुछ अलग है। देखे जी, ऐसे पहाड़ों में ना टेंट के अंदर रहना आसान नहीं होता है, बहुत डर सताता रहता है पूरी रात भर, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। बाकी अब बस डिनर वगैरह करते हैं और आज की वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।